बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने चुनावी फॉर्मूले के साथ आगामी 11 जुलाई को बिहार दौरे पर आने वाले हैं। अमित शाह के बिहार आने से पहले ही सूबे की सियासत गर्म है। एक तरफ तेजस्वी की आरजेडी में तेज प्रताप यादव मुकम्मल जगह पाने के लिए सियासी स्टंट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस सीएम नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी को टेंशन देती दिख रही है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बिहार दौरा होना है। अमित शाह का ये दौरा बीजेपी के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। अमित शाह बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे, साथ ही बीजेपी नेताओं को चुनावी टास्क भी देंगे। अमित शाह के बिहार दौरे से पहले पटना में बीजेपी कार्यालय में हलचल अभी से ही तेज हो गई है। बैठकों का मैराथन दौड़ शुरू हो गया है। बुधवार को भी बीजेपी की काफ़ी अहम बैठक हुई। इस बैठक में सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, नित्यानंद राय ने भी शिरकत की। सूत्रों की माने तो बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बिहार दौरे के दौरान अमित शाह सीएम नीतीश कुमार से भी मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह सीएम नीतीश कुमार से सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगे। अमित शाह सीट बंटवारे को लेकर अपना फॉर्मूला सीएम नीतीश कुमार के सामने रखेंगे। बहरहाल अमित शाह के दौरे से पहले बिहार बीजेपी में लगातार बैठक पर बैठक हो रही है। लाइव सिटीज़ के लिए देवांशु प्रभात की रिपोर्ट।